Hello everyone, welcome to Indian Reaction, and today we are going to react on Bigil movie climax scene. मतलब movie के हमने बहुत से scene के ऊपर reaction दे दिया है, तो ये climax scene है, तो climax scene पे भी reaction देना बनता है. So यहाँ पर कोई request नहीं आया कि climax scene के ऊपर, लेकिन मुझे देना है reaction इसके ऊपर. So let's begin the reaction. ஒரு பிகில் ஆட போறாங்க, மிஸ் பண்ணுவா? செல்வி, அனிதா, தவமணி, other substitute. Coach. Me in the game. Sorry. Coach, please coach. Illama, oru coacha yosikkiradha vida oru annana yosikkiren. Kandippa ennal onna love panna mudiyadhu. Sorry. No way. Thank you.
ஃபேண்டாஸ்டிக் எக்ஸ்ட்ராடினரி சான்ஸ் செல் இப்படி ஒரு கேம் இப்படி ஒரு டீம் இந்த உலகம் இது வரைக்கும் பார்த்ததே கிடையாது யூ 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 யப்பா பார்த்து பார்த்துங்க 11 முக்கால் பார்த்துங்க நீங்களா உண்மையிலே பிளேயர்ஸ் நான் தெரியாம கேட்குறேன் அப்படி சொல்லிக்க உங்களுக்கு வெக்கமா இல்லை என்ன காலால கிரவுண்டா கிளீன் பண்றீங்க கிளீனிங் ஓங்கிங்க உதச்சிடாதீங்க பந்துக்கு வலிச்சிருப்போம் பயம் தம்மா தொண்டு பொண்ணுங்களை பார்த்து பயம் பாஸ் பண்ண தெரியல ஒழுங்கா டிஃபெண்ட் பண்ண தெரியல முட்டாள் முட்டாள் என்ன பாக்குற அவ்வளவுதான் ஓன் கிளம்ப வேண்டியதுதான் இந்த மின்னொழி வீட்டுல மாப்பிளை பாக்க சொல்லு தெரியல் போ தெரியல் பிடி டீச்சர் வேலை ஒண்ணு காலி ஆகுதா போ அதான் உனக்கு வேணும் வேஸ்ட் டோட்டல் வேஸ்ட் முடிஞ்சு எங்க பாண்டியம் எங்க ஐயோ அம்மா சாப்பிடுமா நீ சாப்பிடு சொல்லுவேன் Great song. Cool. That's true. Okay, so we have just half of this.
not a wall scene actually. Okay, so the first thing I want to say is the coach is the best coach because unko pata hai ki unki team ki strength kya hai aur weakness kya hai aur wo jo ek because puri team haar rahi thi to ek aisa unko pata tha ki kya karna hai ki jisse puri team फिर से यू नो अग्रेसिवली खेल सके और जीत भी सके. बिकॉज अगर टीम में क्या होता है कि अगर एक जन ने गोल कर दिया तो सब लोग गोल करेंगे बिकॉज कॉन्फिडेंस आ जाता है. तो जब एक पहला गोल जब हुआ तब एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि मतलब अब होगा, अब सभी लोगों में इस कॉन्फिडेंस आ गया, एक टीम स्पिरिट आ गई थी कि अब तो अगर इसलिए कर रहे तो मैं भी कर सकती हूँ. और मतलब और जो लास्ट में जो गोल हुआ वो उसमें कहा गया कि जब लास्ट टाइम जब होता है ना गेम में तो हमें जैसे कि हम मैच देखते हैं क्रिकेट एक्चुअली, तो क्रिकेट में क्या होता है कि जब एक बल्ला जब घूमता है तब पता चल जाता है कि ये बॉल अब सिक्सर होने वाला है. तब पूरा जो टीम होता है, जो लोग घर पे बैठ के देख रहे हैं, जो लोग वहाँ पर स्टेडियम में है, पूरी टीम सबको पता है सिक्सर, सबके मन में वो यही कि सिक्सर होने वाला है. तो यही था यहाँ पर, सबको पता था गोल होने वाला है. तो उस बार सभी लोग वही चाहते हैं कि गोल होगा तो आपको भी क्या करना है, गोल करना है. तो वो एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ थी यहाँ पर. और ये पूरा सीन बहुत अमेजिंग, इसके जो एंगल्स थे और जो भी स्पिरिट थी वो सब कुछ बहुत अच्छे से दिखाया गया है. और मुझे बहुत पसंद आया ये सीन, ये बहुत ही धमाकेदार अमेजिंग सीन था. लाइक यू नो यहाँ पर ऐसा था कि टीम इम्पॉर्टेंट थी, टीम की वजह से कोच जीते ये दिखाया गया. बिकॉज लाइक यू नो हम सब लोग पहले साइडिंग हो रहा था चकली इंडिया जैसी ये मूवी है, लेकिन चकली इंडिया में क्या था, चकली इंडिया में स्टोरी जो थी वो स्टोरी कोच की थी. अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक फ़र्क है बिगिल में और चकले इंडिया में, कि चकले इंडिया में ये पूरी जो स्टोरी थी वो शाहरुख खान से लगी थी, मतलब उनकी स्टोरी थी कि उनके लाइफ में क्या हुआ और जब वो जीते तब वो जीते यू नो. लेकिन यहाँ पर था कि टीम जीती है, टीम ने कोच को जिताया है. यहाँ पर उस टाइप का पूरा हमें फील होता है कि एक्चुअली टीम जीती है यहाँ पर, और टीम की स्पिरिट और सभी लोगों की अपनी अपनी कहानी थी. और यहाँ पर फ्लैशबैक भी दिखाई गई थी कहानी की कि उनकी लाइफ में क्या हुआ, उनके बाद वो गोल करता है. तो वो एक स्पिरिट थी कि जैसे ऐसा होता है हमारी ज़िंदगी में, जब हम लोग कुछ अचीव करते हैं तो हम अपनी पुराने दिन जो याद करते हैं कि मैं कहाँ से आया हूँ एंड गोल. सो ये बहुत ही अमेजिंग दिखाया गया, ये बहुत ही ग्रेट सीन था. आई मीन एटलीस्ट सर की ये सबसे बेस्ट मूवी है. आई मीन और ये पूरी मूवी एक्चुअली गर्ल स्पिरिट के ऊपर ही बेस्ड थी, गर्ल पावर एक्चुअली. तो वो उन्होंने बहुत अमेजिंग दिखाया गया है. मतलब एक्चुअली जो थारापति जो विजय है वो इसमें एक्टर है और वो बहुत ही ग्रेट एक्टर है एक्चुअली यहाँ पर दिखाया. लेकिन उनकी वजह से जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं वो बिल्कुल भी यू नो लाइक उनका बिल्कुल भी शायद नहीं हुआ, ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा नहीं हुआ कि हमारा फुल फोकस सिर्फ थारापति विजय सर पर है, ऐसा नहीं हुआ, सब पे फोकस है. तो मतलब ये जो है ये वो डायरेक्टर सर की जो सोच है कि जिसके वजह से उन्होंने सभी कैरेक्टर के ऊपर ध्यान दिया है. सो ही इज़ जस्ट अ ग्रेट डायरेक्टर और थारापति विजय इज़ द बेस्ट एक्टर बिकॉज उन्होंने जो रोल निभाया है इस पूरी मूवी में, अमेजिंग. वाह, आई मीन ये बहुत ही अमेजिंग मूवी है. मतलब इस मूवी को जितनी बार देखो ऐसा नहीं होता है कि मतलब हमें पता है, जितनी बार देखोगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है. ये सीन बहुत ही ग्रेट है एक्चुअली. सो गाइज अगर आपको ये रिएक्शन अच्छा लगा है तो डॉक्टर लाइक शेयर सब्सक्राइब टू अवर चैनल. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.